बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउडी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगोनी के बारे में तो शगोनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा अट्ठाईस मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू ए सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको रावडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई एम रेटिंग की तो फोर पॉइंट सेवन रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको नाइन्टी परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज किया गया था बाईस 20 जनवरी दो हज़ार बारह को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परिणीता संथनम प्रकाश राज कोटा सिंह निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शीकर प्रसाद ने के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभाष जो कि श्री देवी मतलब कि श्री सीध हवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौड़ जो कि वसुंधरा के रोल निभा रहे हैं कोटा श्री राव जो कि पेरुमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनिक के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो शगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसअर प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रतिनिथा लीडिंग रोल में नजर आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नजर आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियां काफ़ी अच्छी थी और इसके जो प्रोडक्शन कंपनियां थी ड्रीम वरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज़ किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसकी प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लॉक बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी है इसके साउंड ट्रैक की कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए चाहिए तो सगुनी यानी शक्ोनी जिसके साउंड ट्रैक जीवी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनवरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रोनिंग मिला जैसे मार्स एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसके जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होवी थी और इसकी जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज़ किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकोनी नाम से किया गया था और उषा वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रेडियप रोड डेट इट वॉज रन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर बिहड रोड द सॉन्ग्स है ऑल बीन कम्पोज विथ द सोल इंटेंशन ऑफ इंटरटेनमेंट ऑडियंस सेव द मॉल द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे कि सब उन्हीं को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छा शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में बाकी ऑडियंस का क्या ख्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी ही आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स दिए गए हैं जहाँ पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री लोग और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चेनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल्ड हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड इंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मोमोरेबल वन दस एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कुदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बश बस बशीरुद्दीन इस ज़ीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में सगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगुनी के बारे में तो सगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा अट्ठाईस मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू ए सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको नाइन्टी परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज किया गया था बाईस जनवरी दो हज़ार बारह को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी तो मतलब कि श्री श्री हवि के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी करोल रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति करोल रोल निभा रहे हैं किरण राठौड़ जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा निवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी या सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्थी और प्रतिनिथा लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी जबरदस्त सुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए रिकर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियां काफ़ी अच्छी थी और इसके जो प्रोडक्शन कंपनियां थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जून 2012 को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज़ कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लॉक बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए चाहिए तो सगुनी यानी शक्ोनी जिसके साउंड ट्रैक जीवी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीब बनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रनिंग मिला जैसे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसके जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होवी थी और इसकी जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया लुक भी साबित हुआ था तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसके रिव्यू की बात करते हैं तो रेडियो डेट इट वाज गन ऑफ द मेल एंड हैज नोथिंग न्यू टू ऑफर बिहड वुड रोड द सॉन्ग्स है ऑल बीन कंपोज विथ दोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट देंस सेव द मॉल द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है ऐसे किसी सगुनी को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में बाकी ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करते तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी है आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों, लोगों ने वन दिया है चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने uh, लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड एंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मेमोरेबल वन दस एवेंचली अब बात करते हैं कि कना कु सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बस बशीरुद्दीन ने इस ज़ीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं शगुनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा अट्ठाईस मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू ए सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो 4.7 रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री देवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौड़ जो कि वसुंधरा के रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रतिनिथा लीडिंग रोल में नजर आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे वी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और जिसकी जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसकी जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लॉकबस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी इसके है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है ये गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शुनी जिसके साउंड ट्रैक जीवी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन 2 जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीब बनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जिसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रोनिंग मिला जैसे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसके जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होवी थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज़ किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लू भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते है। तो की है। ने जल्णारते ने जल्णारते no. हैं तो रेडियो डेट इट वॉज रन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बिन कंपोज विथ सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट ऑडियंस सेव द मॉल द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सब उन्हीं को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में आखिर ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज किया गया था, था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी ही आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहाँ पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड एंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मेमोरेबल वन दस एवेंचली अब बात करते हैं कि कना कु सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बस बशीरुद्दीन इस ज़ीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं शगुनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा अट्ठाईस मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90% परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा सिंह निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी तो मतलब कि श्री श्री देहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रही हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौर जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीथा लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और जिसकी जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसके जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी इसके कि है इसके साउंड ट्रैक है कितना धमाकेदार है ये गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शक्ोनी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन 2 जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन 24 मिनट 12 सेकंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रोनिंग मिला जैसे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया हुई थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छे कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रोड डेट इट वन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ सोल इंटेंशन ऑफ इंटरटेनमेंट द ऑडियंस मॉलडे द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सब उन्हीं को रिसीव मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों के जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में बाकी ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री लोग और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में तो उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चेनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल्ड हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड इंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए ममोरेबल वन दस एजेंजली अब बात करते हैं कि कना कुदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बशी बस, बशीरुद्दीन इस जीरो जीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं शगुनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा अट्ठाईस मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू ए सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90% परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी प्रणिथी परनीता संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिखर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री देवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नर्सर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौर जो कि वसुंधरा के रोल निभा रहे हैं कोटा श्री निवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी या सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्थी और प्रतिनिथा लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी जबरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियां काफ़ी अच्छी थी और इसके जो प्रोडक्शन कंपनियां थी ड्रीम वरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था 22 जून 2012 को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज़ कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लूक बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए चाहिए तो सगुनी यानी सकूनी जिसके साउंड ट्रैक जीवी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन 2 जून को कराया गया था जिसके जेनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीब बनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रनिंग मिला था जैसे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होवी थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज़ किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकोनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रोड डेट इट वन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर बिहाइंड हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज्ड विथ द सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट ऑडियंस सेव द मॉल द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सब उन्हीं को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में बाकी ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करते हैं तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में तो उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चेनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड इंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मोमोरेबल वन दस एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कोदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बस बशीरुद्दीन इस ज़ीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में सगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगुनी के बारे में तो सगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज किया गया था 22 20 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिखर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी तो मतलब कि श्री श्री देहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमाला लक्षणन के रोल निभा रही हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौर जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्री राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्थी और प्रनीथा लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे वी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और जिसकी जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीब एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसकी जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी इसके कि है इसके साउंड ट्रैक है कितना धमाकेदार है ये गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शक्ोनी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन 2 जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन 24 मिनट 12 सेकंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा राउंडिंग मिला मास था जैसे मार्स एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होवी थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रोड डेट इट वॉज रन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट द ऑडियंस मॉलडे द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सब उन्हीं को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में बाकी ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी है आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड एंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मेमोरेबल वन दस एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कोदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बशी बस, बशीरुद्दीन ने इस ज़ीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट जीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में सगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगोनी के बारे में तो सगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री दहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौड़ जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगोनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीता लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और इसके जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन है वो साल दो हज़ार ग्यारह में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी इसके इतना है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है ये गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए चाहिए तो शगोनी यानी शक्ोनी जिसके साउंड ट्रैक जीवी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे कि वो दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रोनिंग मिला था जैसे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया हो भी थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छे कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज किया गया तमिल में भी रिलीज़ किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगू में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उषा वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लुकटर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रेडियप रोड डेट इट रन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर बिहाइंड वुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट द से मॉलरे द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे कि से सगुनी को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छा शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में आखिर ऑडियंस का क्या ख्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात कर तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी है आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड एंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइज बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मेमोरेबल वन दस एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कोदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बस बशीरुद्दीन इस ज़ीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में सगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगुनी के बारे में तो सगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा अट्ठाईस मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90% परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी तो मतलब कि श्री श्री देहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमाला लक्षणन के रोल निभा रही हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नर्सर जो कि नेलाई स्वामी का रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति का रोल निभा रहे हैं किरण राठौर जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्री राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्थी और प्रनीथा लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और जिसकी जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीब एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसके प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी कि है इसका साउंड ट्रैक है कितना धमाकेदार है ये गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शक्ोनी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसको जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन 2 जून को कराया गया था जिसके जेनरी फीचर से साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन बनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रनिंग मिला था जैसे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसके जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होवी थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रोड डेट इट रन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कम्पोज विथ द सोल इंटेंशन ऑफ इंटरटेनमेंट ऑडियंस सेव द मॉल द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सब उन्हीं को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों के जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में बाकी ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करते तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी है आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स इस्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए मूवी जस्ट एंड एंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मेमोरेबल वन दस एजेंजली अब बात करते हैं कि कना कोदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बशी बस, बशीरुद्दीन ने इस ज़ीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में सगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगुनी के बारे में तो सगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री देहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौड़ जो कि वसुंधरा के रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगोनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एस प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीता लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और इसके जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज़ किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन है वो साल दो हज़ार ग्यारह में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी इसके कि इतना है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है ये गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शुनी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसको जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन 2 जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन बनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोडक्शन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रोनिंग मिला था जिसका मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया हुई थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगू में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज़ किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकोनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया लुक भी साबित हुआ था तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसके रिव्यू की बात करते हैं तो रेडी प्रोड डेट इट वाज रन ऑफ द मेल एंड हैज नोथिंग न्यू टू ऑफर बिहान वुड रोड द सॉन्ग्स है ऑल बीन कंपोज विथ द सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट देंस सेव द मॉल द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी और द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे सब सगुनी को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों के जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में बाकी ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात कर तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी ही आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहाँ पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री लो और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में तो उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चेनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नॉट ए सीरियस मूवी जस्ट एन इंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइज बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मोमोरेबल वन दस एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कु सिंह ने, ने, like बस, ने, ने क्या कहा है इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम्स द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बश बशीरुद्दीन इस जीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट जीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं शगुनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो 4.7 रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज किया गया था बाईस जनवरी दो हज़ार बारह को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम राज कोटा श्री निवास राव राधिका नसर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शीकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री हवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमाला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नर्सर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौर जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबर शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एस प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीता लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और इसकी जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज़ किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसके जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शुनी जिसके साउंड ट्रैक जी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन बनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी वी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने टोटल यानी कि कुल मिलाकर पांच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा राउंडिंग मिला जिससे गा मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया हुई थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगू में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रेडियप रोड डेट इट वॉज रन ऑफ द मेल एंड हैज़ नथिंग न्यू टू ऑफेयर बिहड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट द से मॉलडे द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सगुनी को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में आखिर ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक, एक स्क्रीन पर ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार स्क्रीन तेलुगू में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करते तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी है आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में तो उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चेनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एन इंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मोमरेबल वन दस एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कोदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम्स द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बशी बस, बशीरुद्दीन ने इस जीरो जीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं शगुनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो 4.7 रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नस्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शीकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री देहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमाला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नसर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौड़ जो कि वसुंधरा के रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनी के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एस प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीता लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नजर आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और इसके जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज़ किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन है वो साल दो हज़ार ग्यारह में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसके जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शुनी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसके रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जीवी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पांच गाने हैं काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रोनिंग मिला जैसे गा मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसका जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होबी थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छे कमाई किया इसको तेलुगू में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज़ किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकोनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लू भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रोड डेट इट वन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफर बिहाइंड हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट द ऑडियंस सेव द मॉलडे द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सगुनी को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों के जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में आखिर ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करें तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री लोग और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने तो लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनैटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सोरियस मूवी जस्ट एंड इंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी एम मोमरेबल वन दस एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कुदरगा सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बशी बस, बशीरुद्दीन इस जीरो जीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में सगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगोनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू ए सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो 4.7 रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था बाईस जनवरी दो हज़ार बारह को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनी पर संथनम राज कोटा श्री निवास राव राधिका नसर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिखर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री दहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नर्सर जो कि नेलाई स्वामी के रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौड़ जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास निवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनिक के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनिक बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीता लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियां काफ़ी अच्छी थी और इसके जो प्रोडक्शन कंपनियां थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसकी प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी इसके है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए चाहिए तो सगुनी यानी शक्ोनी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन बनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी वी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा राउंडिंग मिला जिससे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया हुई थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगू में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकुनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रोड डेट इट वॉज रन ऑफ द मेल एंड हैज़ नथिंग न्यू टू ऑफेयर हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट द से मॉलडे द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सगुनी को जैसे मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छा शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में आखिर ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक स्क्रीन पर ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब तो चार स्क्रीन तेलुगू में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करते तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में तो उन्होंने लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एन इंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मोमोरेबल वन दर्स एजेंचली अब बात करते हैं कि कना कु सिंह ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बशी बस, बशीरुद्दीन इस जीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रवर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं सगोनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो फोर पॉइंट सेवन रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90% परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था 22 20 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनीथी परनीथा संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नर्सर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शीकर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्री देहवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमाला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नर्सर जो कि नेलाई स्वामी का रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति का रोल निभा रहे हैं किरण राठौर जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनिक के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनिक बहुत ही जबरदस्त शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीता लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और जिसकी जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज़ किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसके जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो और सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लॉक बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शक्नी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और जिसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनवरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबनाया चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रही हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा रोनिंग मिला जैसे गा मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया होबी थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छे कमाई किया इसको तेलुगू में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज़ किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगू में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकोनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रेडिप रोड डेट इट रन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफर बिहाइंड हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट द ऑडियंस सेव द मॉल द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सगोनी को रिसीव मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में आखिर ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करें तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है तो चलिए बात करते हैं श्रुति रविशंकर ने क्या कहा इसके बारे में उन्होंने तो लिखा है फाइव स्टार दे करके सच ए फील गुड मूवी स्पेशली फॉर चैनेटिक्स विथ गिविंग ए बेस्ट टेस्ट वाइल हैंडलिंग पॉलिटिक्स नोट ए सीरियस मूवी जस्ट एंड एंटरटेनिंग मूवी बट नेचुरल कैरेक्टराइजर बाई कैथी हुमरस एंड पॉजिटिवली फनी एंटिक्स बाई मोस्ट मेन कैरेक्टर मेक द मूवी ए मोमोरेबल वन दस एजवेंचली अब बात करते हैं कि <The> कना कुदरगा सिंह ने, ने, like बस, ने, ने क्या कहा है इसके बारे में उन्होंने फाइव स्टार दिया है और बताया है आई लाइक दिस मूवी डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अंडर रेटेड वी कैन वॉच इट मेनी टाइम्स द कॉमेडी इज ग्रेट अब बात करते हैं कि बशी बशीरुद्दीन इस जीरो ज़ीरो फोर बशीरुद्दीन ने क्या कहा है इन्होंने भी फाइव स्टार दिया है और कहा है इट मस्ट वॉच फिल्म द पॉलिटिकल ब्रबर्स हाउ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्टिव प्लान तो फिल्म काफ़ी बढ़िया मैं फाइव में से फाइव में नहीं बल्कि फाइव पॉइंट ज़ीरो स्टार देता हूँ इसे हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्तिक की ब्लॉकबस्टर मूवी राउडी लीडर के हिंदी फैक्ट के बारे में दोस्तों तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चलिए बात करते हैं इसके बारे में शगुनी जिसको हिंदी में डब किया गया है राउदी लीडर नाम से जो हिंदी भाषा में काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुकी है बात करते हैं शगुनी के बारे में तो शगुनी जो कि 2012 में आई एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी लंबाई दो घंटा 28 मिनट है जिसको सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जैसे आपको जानते हैं यह बहुत ही जबरदस्त मूवी है तमिल भाषा की जिसे हिंदी भाषा में भी सुपर डुपर हिट माना जाता है जिसको राउडी लीडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया है चलिए बात करते हैं इसके बारे में जैसे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें हैं बहुत ही धमाकेदार तस्वीरें हैं जिन्हें देखते हुए लग रहा है फिल्म काफ़ी बढ़िया शानदार है बात करते हैं इसके आई रेटिंग की तो 4.7 रेटिंग दिया गया है आउट ऑफ टेन स्टार में से जो बहुत ही लाजवाब है जिसको 90 परसेंट गूगल यूजर्स लाइक किए हैं और ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जनवरी 2012 को जिसको डायरेक्ट किए थे शंकर दयाल ने और इसके जो म्यूजिक दिए गए हैं प्रकाश कुमार के द्वारा दिए गए हैं स्टारिंग है कार्थी परनीथी परनीथा संथनम प्रकाश राज कोटा श्री निवास राव राधिका नसर जैसे कई सारे कलाकार नजर आए थे जिसको एडिट किए थे एस शिखर प्रसाद ने इसी के बात करते हैं कास्टिंग की बहुत ही अच्छी कास्टिंग ली गई है परिणीता सुभा जो कि श्री देवी मतलब कि श्री श्रीद हवी के रोल निभा रही हैं और कैथी जो कि कमला लक्षणन के रोल निभा रहे हैं और संथनम जो कि रजनी अपा थुराई के रोल निभा रहे हैं नर्सर जो कि नेलाई स्वामी का रोल निभा रहे हैं प्रकाश राव जो कि भूपति के रोल निभा रहे हैं किरण राठौर जो कि वसुंधरा का रोल निभा रहे हैं कोटा श्रीनिवास राव जो कि पेरूमल के रोल निभा रहे हैं तो कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुई है इसकी तो बात करते हैं सगुनिक के बारे में यानी कि राउडी लीडर के बारे में तो सगुनी बहुत ही जबर शानदार मूवी है सभी लोग जानते ही हैं जिसको साल 2012 में बनाया गया था और यह तमिल भाषा की पॉलिटिकल एक्शन कॉमेडी मूवी था जिसके डायरेक्टर थे शंकर दयाल और प्रोड्यूसर थे एसर प्रभु कास्टिंग है कार्ती और प्रनीता लीडिंग रोल में नज़र आए हैं बाकी के बाकी स्मॉल कलाकार में नज़र आए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसे हिंदी भाषा में काफ़ी ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट माना जाता है बात करते हैं कि सिनेमाटोग्राफर जो हैं पी जी मोतियाह ने दिए हैं और इसको एडिट किए गए हैं ए शेखर प्रसाद के द्वारा और इसके जो म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छे हैं जे बी प्रकाश कुमार ने दिए हैं जिसकी म्यूजिक कंपनियाँ काफ़ी अच्छी थी और इसकी जो प्रोडक्शन कंपनियाँ थी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडियो ग्रीन और वेंदर मूवीज़ के तले जिसको रिलीज किया गया था बाईस जून दो को और बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है करीबन एक सौ इक्यावन मिनट है और बहुत ही शानदार मिनट है जिसको भाषा तमिल में बनाया गया है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेकिंग हुई थी इस मूवी की जिसके जो प्रोडक्शन्स है वो साल 2011 में स्टार्ट कराए गए थे अप्रैल के महीने से ही और जिसके जो प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हुई थी और कई सारे कलाकार ने डेब्यू किया था और बहुत ही अच्छी मूवी का मेकिंग भी होना चालू हो गया और फिल्म जब तैयार होकर रिलीज़ होने का तैयार हो गई थी जब इसके पोस्टर को रिलीज़ किया गया पोस्टर देख के हंगामा हो गया जब फाइनली इसको दिवाली के अवसर पर रिलीज कर दिया गया तो सिनेमाघरों में तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया फिल्म काफ़ी बढ़िया कमाई किया बिजनेस किया और ब्लू बस्टर भी साबित हो गया अब बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक के बारे में आखिर कैसी है इसके साउंड ट्रैक कितना धमाकेदार है गाने उसके बारे में तो जानना ही चाहिए नहीं चाहिए तो सगुनी यानी शक्नी जिसके साउंड ट्रैक जी वी प्रकाश कुमार ने बनाए हैं दोनों भाषाओं में जिसकी रिकॉर्डिंग साल 2012 में की गई थी और इसकी जो रिलीजिंग थी साल 2012 में ही लेकिन दो जून को कराया गया था जिसके जनरी फीचर फिल्म साउंड ट्रैक थी लंबाई करीबन चौबीस मिनट बारह सेकेंड थे और एक में चौबीस मिनट ग्यारह सेकेंड थे यानी कि ये तेलुगु में और तमिल में है ना तो काफ़ी अच्छी रिलीजिंग हुई थी जिसको जो प्रोड्यूशन थे यानी कि लेबल थे जिमिनी स्टूडियो थे और मतलब जिमिनी ऑडियो और टी सीरीज थी प्रोड्यूसर हैं जी वी प्रकाश कुमार जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और साउंड ट्रैक को काफ़ी अच्छा कंपोज मिला है तो बहुत ही बढ़िया है गाने हैं टोटल यानी कि कुल मिलाकर पाँच गाने हैं और काफ़ी शानदार गाने हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके रिव्यू की बात करते हैं गाने के तो बहुत ही अच्छा राउंडिंग मिला जिससे मास एल्बम था बहुत ही गुड प्लेयर था तो रिलीजिंग की बात करते हैं तो इसकी जो रिलीजिंग थी वो भी काफ़ी बढ़िया हुई थी और इसके जो रिलीजिंग तो बहुत ही अच्छी कमाई किया इसको तेलुगू में भी रिलीज़ किया गया तमिल में भी रिलीज किया गया और तमिल में तो यह फिल्म एक एवरेज हिट था लेकिन तेलुगु में भी यह फिल्म बहुत ही बढ़िया सक्सेस पाया था और इसको शकोनी नाम से किया गया था और उस वहाँ पर तो यह फिल्म काफ़ी बढ़िया ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था तो दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसकी रिव्यू की बात करते हैं तो रोड डेट इट वॉज रन ऑफ द मेल एंड हैज नथिंग न्यू टू ऑफेयर हुड रोड द सॉन्ग्स हैव ऑल बीन कंपोज विथ द सोल इंटेंसन ऑफ इंटरटेनमेंट दस से मॉलडे द रेस्ट ऑल प्ले टू द गैलरी ऑल द वे गुड मास एल्बम तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है रिव्यू मिला है जैसे किसे सगुनी को रिश्वत मिले थे यानी कि मिक्स रिव्यू मिले थे और बहुत ही अच्छे शानदार रहे थे और ये फिल्म बहुत ही अच्छा जोड़ा भी बताया गया था किस प्रकार से दोनों जोड़े काफ़ी धमाकेदार किए थे तो बात करते हैं इसके ऑडियंस रिव्यू के बारे में आखिर ऑडियंस का क्या ख़्याल इसके बारे में उसके बारे में जानते हैं वैसे बात करते हैं तो इसको जो रिलीज़ किया गया था करीबन एक हज़ार एक सौ स्क्रीन पे ग्लोबली रिलीज़ किया गया था जिसमें से पाँच मतलब तो चार सौ पचास स्क्रीन तेलुगु में दिया गया था और बाकी तमिल में थे और इसे वर्ल्ड वाइड थे हालांकि दोस्तों इसमें जो रिलीजिंग था पहले कुछ और पहले था लेकिन वो चेंज कर दिया गया था चलिए इसके ऑडियंस रिव्यू की बात करते तो इसकी जो ऑडियंस रेटिंग समरी ही आपके सामने दिखाई दे रहा है फोर पॉइंट सिक्स स्टार दिए गए हैं जहां पर बासठ लोगों ने रिव्यू दिया है और सबसे ज़्यादा यानी कि करीबन नाइन्टी सिक्स परसेंट लोगों ने इसे फाइव स्टार दिया है फिर थर्टी परसेंट लोगों ने फोर स्टार दिया है फिर ट्वेंटी परसेंट नहीं बल्कि पंद्रह परसेंट लोगों ने थ्री और सात परसेंट लोगों ने तीन और टू परसेंट लोगों ने टू और वन परसेंट लोगों ने वन दिया है